हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन अवर एजुकेशन यूट्यूब प्रोग्राम। जैसा कि इस सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं उन हर एग्जामिनेशन से रिलेटेड बेस्ट बुक की, और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एम्स मेडिकल परीक्षा के लिए कौन सी परफेक्ट बेस्ट बुक्स हो सकती है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि हर एग्जामिनेशन हो, कोई भी हो, उसके लिए तैयारी सबसे ज़रूरी है। मैं कितनी भी अच्छी हम बुक्स की बात कर लें, हमारे पास हम बुक्स का ढेर कर लें दुनिया भर की टॉप मोस्ट बुक्स का, लेकिन जब तक उनका सही तरीके से स्टडी ना करें, तब तक स्मार्ट तरीके से उनका उपयोग ना करें, तब तक वो सारी की सारी बुकों का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर कुछ बेहतर बुक्स हमें पता हो, अगर हम एक सही दिशा में स्टडी करते हैं, सही तरीके से हमारे मेंटर्स जो भी हमें सजेस्ट करते हैं उनका उपयोग करते हैं, हो सकता है इंडिया में कहीं बच्चे आज के टाइम में, जैसे अगर आपको किसी भी मेडिकल या IIT इंस्टीट्यूट में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा, कोचिंग लगानी ही पड़ेगी। और जैसा कि भारत में जो कोचिंग बाजार चल रहा है, कोचिंग बाजार का मतलब यहाँ पर सिर्फ उन कोचिंग्स का ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को भरा जाए, उसमें से कुछ बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनका एडमिशन हो ही जाता है, उन एडमिशन के नाम पर फिर प्रचार होता है, और इस तरह से एडमिशन का बाजार, कोचिंग बाजार चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रतिभाशाली ऐसे भी होते हैं जो गांव से बिलोंग्स करते हैं, ऐसी जगहों से बिलोंग्स करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके, क्योंकि आज 11th 12th में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा 2 साल के प्रोग्राम का खर्चा है। कोटा, इंदौर या फिर जो भी टॉप मोस्ट सिटीज़ है वहाँ पर जाने रहने का खर्चा, इस तरह से 2-2.5 लाख रुपये सिर्फ तैयारी में लग जाते। तो दोस्तों, अगर एक सही बुक, एक सही दिशा हो, एक सही डायरेक्शन हो, तो आप घर बैठे भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम आज की सीरीज़ में उन्हीं बुक्स की बात करेंगे जो बुक्स आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो चलो चलते हैं, सीधे बात करते हैं हम। दोस्तों, इसमें एक एक टॉपिक पर, एक एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जैसे बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स बेहतर हो सकती है, केमिस्ट्री के लिए कौन सी हो सकती है, फिजिक्स के लिए कौन सी हो सकती है। जैसे हम प्रोग्राम के आगे में चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको कि दोस्तों, जो सबसे पहली और सबसे बेस्ट बुक है वो है NCERT। अगर आप NCERT को पढ़े बिना अगर आप दूसरी बुक्स पे जाते हैं, तो वो सही कदम नहीं है। क्यों? क्योंकि NCERT जो बुक्स है वो CBSE पब्लिकेशंस द्वारा पब्लिश्ड है, और एम्स एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाती है वो CBSE द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो कहीं ना कहीं NCERT जानना, समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोई भी जो हम आज के सीरीज़ में बात कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स की, वो कहीं ना कहीं बेसिक्स की बात आती है। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी ट्रूमैन की हो जाए, या फिर हम SC वर्मा की बात कर लें, या हम फॉरेन राइटर हीरोडो की बात कर लें, सबसे ज़रूरी है सबसे पहले NCERT 11th 12th की NCERT। फिजिक्स के लिए भी आप 11th 12th की NCERT, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी। मैं यहाँ पर उन बुक्स की बात नहीं करूँगा NCERT के अलावा, मैं दूसरी बुक्स की बात करूँगा। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें जो जनरल नॉलेज का टॉपिक जो रहते हैं, उसके लिए भी आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। चलो बायोलॉजी में डायरेक्ट हम चलते हैं, जो ट्रूमैन पब्लिकेशन द्वारा है, इसमें लगभग 14,000 MCQ टाइप के क्वेश्चन से, हर तरह के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है कि एग्ज़ाम्स के पहले आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे हम 11th की कुछ पार्ट की बात करें, बायोलॉजी में जूलॉजी पार्ट की बात करें, या फिर हम बोटनी पार्ट की बात करें इसके अंदर, तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है। जैसे स्टूडेंट को अगर सबसे पहले बेसिक सॉल्व करना है, बेसिक चीज़ों को समझना है कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, फिर वो आगे बढ़े, तो इस बुक के अंदर यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अमेजन पर इसकी बात करें, तो इस पे कि 4.4 रिव्यूज आउट ऑफ 5 स्टार। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सही तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी बुक क्या है, क्या क्या कितने की है। अमेजन पर इसकी प्राइस 890 रुपीज़ है, वही बुक वही फ्लिपकार्ट पर 1429 की है। फ्लिपकार्ट पर इसका कोई रिव्यू नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर उसका रिव्यू नहीं लगाया। बायोलॉजी में अगर हम सेकंड नंबर पर जाएं, तो जो दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है, ये भी बहुत सारे मेंटर टीचर्स के अकॉर्डिंग शानदार बुक है। ये 4 पार्ट में थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पैटर्न में, और एक बुक कंबाइंड फंड में भी किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है, और ये प्रैक्टिस के लिए शानदार बुक है। इसमें भी लगभग हर टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया गया। जो ऑथर के भाटिया एंड केन भाटिया जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े राइटर्स हैं इस फील्ड में। और अगर हम फ्लिपकार्ट पर इसकी बात करें, तो 128 लोगों ने रेटिंग्स दी है, 21 ने रिव्यूज़ किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और 4.4 स्टार है आउट ऑफ 5, और इसकी फ्लिपकार्ट पर कीमत है 1499 रुपीज़। और इसी की कीमत अगर हम
अमेजन पर देखें तो 1695 रुपये में, अमेजन पर इसका रिव्यूज़ नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर रिव्यूज़ उसके बारे में नहीं बताया। चलो अब हम समझ आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। दोस्तों केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। शायद आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे तो डॉक्टर पी बहादुर जो इंडियन राइटर है आपको पता ही होगा कि इस बुक का स्टैंडर्ड, इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या है, क्योंकि मैंने भी इस बुक को खुद पढ़ा है। ये जितनी भी बुक लिस्ट, मैं पीसीएम से हूँ तो मैं बायोलॉजी के अलावा जो बाकी की बुक्स की मैं बात करूँ इनको मैंने खुद समझा है। मैं अगर बात करूँ तो ये बेहतर बुक है, शानदार बुक है। न्यूमेरिकल्स का अगर पैटर्न देखें तो बेसिक्स स्टैंडर्ड तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी बड़ा अच्छा है। तो एनसीईआरटी जो स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं कर पाते या एनसीईआरटी को नहीं समझ पाते उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बड़े अच्छे से बताया गया, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये बेस्ट बुक कह सकते हैं। अमेजन पर इसकी प्राइस 952 रुपीज़ है। रिव्यू की बात करें तो 5 स्टार में से 4.3 अमेजन पर है। फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस है 551। अब आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7th एडिशन के नाम से है, रॉबर्ट थॉर्नटन मॉरिसन बॉयड की जो लिखी बुक है, फॉरेन राइटर से, शानदार बुक है। अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिक के बाद, जैसे हम अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिक पार्ट है और रिएक्शन दी हुई जो भी चीज़ें दी उसमें उतनी ज़्यादा स्टूडेंट है जो जिसको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं है वो उतने ज़्यादा डीप तरीके से नहीं समझ पाता, तो उसकी हेल्प करने के लिए उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली या अलग लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की गई है इस बुक के अंदर, रॉबर्ट थॉर्नटन मॉरिसन के अंदर। तो आप इस बुक के अंदर ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी टिपिकली है लैंग्वेज, लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप समझ सकते हो, एक बार आपको आदत लग जाएगी तो बड़ी आसानी से आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर 738 इस लोगों ने रेटिंग्स दी है, 86 रिव्यूज़ हैं, 4.4 स्टार है आउट ऑफ 5। और अमेजन फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस 899 रुपीज़ है। अमेजन पर अगर हम उसी की प्राइस देखें तो 512 रुपये, 512 रुपीज़। अमेजन पर भी इसके रिव्यूज़ 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार है, और यहाँ पर 102 लोगों ने कस्टमर रिव्यूज़ किया, मतलब रिव्यूज़ और इससे देख के लग रहा है कि बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। चलो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ये भी पी बहादुर द्वारा लिखित है, जी आर बटला पब्लिकेशंस की बुक है। यहाँ पर स्पेशली फोकस किया गया जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे टेक्निक से कौन से फार्मूला को कितना जल्दी अप्लाई किया जाए, तो ये उनके लिए ये बेस्ट पार्ट है। जैसे सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस तरह के जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इस तरह के जो टॉपिक है बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया है। पी बहादुर के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी इन बुक्स को, या तो अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसके बारे में जानते हो, या फिर अगर एक बार आप देखना चाहते हो तो ये बेहतर बुक है, शानदार बुक है। ये आपकी जो स्कूल की लाइब्रेरी होगी वहाँ पर भी ये बुक्स आपको मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस 878 रुपीज़ है। अगर रेटिंग्स में हम बात करें तो 4.3 स्टार आउट ऑफ 5, और अगर हम रिव्यूज़ में बात करें तो 16 रिव्यूज़ रिटर्न में और 140 लोगों ने इस पर लाइकिंग या रिव्यूज़ दिया है। अमेजन पर इसकी प्राइस क्वाइटली कम है, 779 रुपीज़ है। और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो वहाँ पर इसकी रेटिंग नहीं थी इसलिए हम यहाँ पर उसकी रेटिंग नहीं दे पाए। चलो अब चलते हैं हम फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में जैसे ही अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर एक सबसे पहले नाम आता है, जो भी आईआईटी चाहिए, एम्स, जिपमर या फिर नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो एससी वर्मा के अलावा और कोई नाम नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, पर्सनली बताना चाहूँगा कि एससी वर्मा बेस्ट 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 बुक है इनिशियल लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है स्टार्टिंग में, जो स्टूडेंट 11 जिसको फिजिक्स की ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं है, वो एससी वर्मा को देख के समझ जाता है कि भैया क्वेश्चंस का लेवल क्या है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी थ्योरेटिकल पार्ट के बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव को करते हैं और फिर हम जो थ्योरेटिकल पार्ट पर जाते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस का लेवल है। और जैसे एम्स एग्जामिनेशन में फिजिक्स पार्ट भी टफेस्ट होता है, टफ लेवल का होता है, तो एससी वर्मा वहाँ पर बहुत अच्छी मदद करेगी। एससी वर्मा के दोनों पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, 11th का और 12th के टॉपिक, तो दोनों बुक अपने आप में बेजोड़ है, शानदार है। अगर हम इसकी बात करें प्राइस की तो अमेजन पर इसकी प्राइस है 237, फ्लिपकार्ट पर वही बुक है 213, 213 की। अमेजन पर इसकी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5, और फ्लिपकार्ट पर भी इसकी रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार है।
और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, एरोडो फंडाइटर द बेस्ट बुक, प्राइस बड़ी ही नॉमिनल है, 72 रुपीज़ है फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर भी 72 है। स्टार रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4.4 आउट ऑफ 5। जनरल फिजिक्स दोस्तों इसके अंदर क्या रखा गया है, इस बुक के अंदर अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ और जिन्होंने इसको पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग और अगर हम एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग समझें तो जनरल फिजिक्स जो जनरल लाइफ में रहती है उनको साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है, मतलब एससी वर्मा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स इसमें भी है, लेकिन क्वेश्चंस की जो डीपनेस है, जो थिंकिंग लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर हम एससी वर्मा के बाद आगे जाना चाहें पैरेलल में देखें तो एरोडो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके पहले आपको एनसीईआरटी जो भी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, उसे कवर करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों हमने इस सीरीज़ के अंदर जाना एम्स एग्जाम्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती है, कौन बुक्स की मदद से आप अच्छी सी प्रिपरेशन करके अपनी एग्जामिनेशन में अपना एक सीट पक्की कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास नहीं मौका है कहीं कोचिंग जाकर तैयारी करने का तो इन बुक की मदद से आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सारी बातें आखिर में यही आती है कि बुक्स लाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनका यूज़ ना करें। मेरे बेस्ट विशेस है कि आप ज़रूर 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 सक्सेस हो, सफलता के मुकाम तक जाओ। माई बेस्ट विशेस एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हाँ इसे उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत हो सकता है, आपका एक शेयरिंग उसकी मदद कर सके, मदद इस तरीके में कि वो भी घर बैठ के या अपनी इन बुक्स की मदद से पढ़ सके या फिर सफलता अपने नाम कर सके। इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बने रहे हमारे साथ, तहे दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय।